और अब इंतजार खत्म हो चुका है, कपाट खुल चुके हैं राम मंदिर के। जी हां, कपाट खुल चुके हैं। बड़ा शुभ दिन आज का, और इंतजार किया जा रहा था कि कब कपाट खुलेंगे, और अब कपाट खुल चुके हैं। भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। और मंदिर में आज एक बेहद विशेष दिन है, क्योंकि आज का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसके लिए जो कपाट खोले गए हैं उसका जो समय तय किया गया था, समय पर अब कपाट खुल चुके हैं। और आगे जो कार्यक्रम होंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। अभी अभी जानकारी ये मिल रही है कि राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, लिए चलेंगे आपको अयोध्या भी। लेकिन उससे पहले कुछ अलग अलग और जगह लिए चलेंगे, जहां पर ये भगवान राम के आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, और जो उत्सव मनाए जाने हैं, जो उल्लास आज है रामलला के आगमन पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, और मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब आगे के जो विधि विधान अनुष्ठान हैं वो होने हैं। और पूरे अनुष्ठान के दौरान लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, और राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद आगे का जो अनुष्ठान होगा, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और आज का जो अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो कपाट खुलने के बाद शुरू हो गई है। बेहद ही खास आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि अब तो कपाट भी खुल चुके हैं, अब विशेष अनुष्ठान, आगे के जो विधि विधान रहेंगे वो करे जाएंगे, पूजा पाठ होगा। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कपाट खुल चुके हैं, हाथ में मूर्ति लिए पुजारी नजर आ रहे हैं। ये बाबा महाकाल के श्रृंगार के समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरह साज सज्जा की गई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि राम लला के सामने बाबा महाकाल आमने सामने ले जाए गए। और दरअसल भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं, देवादि देव महादेव भगवान भोलेनाथ श्री राम के आराध्य हैं। और श्री राम जिनको ध्यान करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, वो देवादि देव महादेव हैं। और महादेव जिनका नाम जपते हैं, महादेव जिनका ध्यान करते हैं, वो स्वयं भगवान श्री राम हैं। और ये एक दूसरे को पूजते हैं, और एक दूसरे के जो ध्यान में रहकर जो भक्ति है, वो भक्ति का भाव एक दूसरे के प्रति इनके मन में रहता है। और ये एक अनूठी और एक अजब ही भक्ति है, जिसमें एक दूसरे को दोनों श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। और ऐसे में भगवान श्री राम को सपरिवार बाबा महाकाल के दरबार में ले जाया गया, जब विशेष पूजन बाबा महाकाल का चल रहा था। और शिवरी चलेंगे, हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवरी में क्या तैयारियां हैं, कैलाश क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? जी, आपको बता दूं, सूर्यनारायण क्षेत्र सबरी के धाम है, यहाँ भी श्री राम को भांचे की तरह पूजते हैं। और यहाँ शहर के चौक चौराहे को देखा जाए तो दुल्हन की तरह सजाया गया है, कई आदमकद मूर्ति श्री राम के बने हुए हैं, जो रामन गमन पथ परिपथ के दौरान बनाया गया था, उसको भी सजाया गया है। और पूरे शहर जो है राममय हो चुके हैं, यहाँ सभी भक्त अब मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ साज सज्जा भी की गई है, और यहाँ के भक्तों में भारी उत्साह है, क्योंकि 500 वर्षों बाद रामलला जो है अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे लिए देवालय है वो। और यहाँ जिस तरह से राम को भांजा का दर्जा दिया गया है, और एक तरफ भांजा और दूसरी तरफ भगवान, दोनों का रूप छत्तीसगढ़ में एक रूप माना गया है। जी बिल्कुल, चूंकि कैलाश भगवान के रूप में रामलला और भांजे के रूप में रामलला, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है कि सभी भांजों के पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, क्योंकि वहां हर भांजे को राम माना जाता है। इस संस्कार का या इस प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो ये कि बच्चों में भगवान श्री राम को उनका जो उनका व्यवहार है उसका अनुसरण करने की प्रेरणा उन्हें मिले। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण श्रवणीय हैं, उनकी लीलाओं को सुना जा सकता है, ऐसे ही भगवान श्री राम अनुकरणीय हैं, उनकी लीलाओं को, उनके व्यवहार को, उनके विचार को अनुकरण किया जा सकता है। और यही छत्तीसगढ़ की परंपरा है, यही पवित्र परंपरा भगवान श्री राम के छत्तीसगढ़ जाने के बाद
वहां पर शुरू हुई और इससे पूरा छत्तीसगढ़ जो है हमेशा गौरवान्वित महसूस करता है कि भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उनकी माता छत्तीसगढ़ की पुत्री हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत